हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो मैं आज आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं, तो हैप्पी नवरात्रे टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम माता रानी की अपने घर में स्थापना कर रहे हैं सभी लोग, तो मैंने भी कर ली है और सुबह ही सुबह मैंने पूजा भी कर ली है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, ये होती है, आप सभी जानते हैं कि हम स्थापित करते हैं अपने घर में, घट स्थापना इनको बोलते हैं। तो आप स्टील के या कैसे भी लोटे या मिट्टी के ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये है नारियल, जिसको कि हमेशा कलावा और चुन्नी बांध के आपको रखना चाहिए। ये है माताजी, माताजी की चौकी जब आप लगाएं तो माताजी का स्थान मतलब सबसे थोड़ा ऊपर होना चाहिए। देखिए, मैंने जैसे थोड़ा सा ऊपर कर रखा है माताजी का स्थान, तो मैया को थोड़ा सा ऊपर बिठाएं। और इसके बाद में आप अपना दिया वगैरह सब जलाते ही हैं, इसके अलग आप अपने घर में छोटा सा एक हवन ज़रूर करें, जिसमें कि आपको गूगल, लौंग और गंधक का धुआं अपने घर में पूरे में कर देना चाहिए। ये छोटा सा हवन है, ये डेली करें जब भी आप सुबह पूजा करते हैं, ठीक है। तो बस ऐसे ही मैंने किया है। और आप इन दिनों जितनी भी पवित्र पुस्तकें पढ़ सकते हैं आपको पढ़नी चाहिए, मतलब जो भी आपके घर में पवित्र पुस्तकें हैं, अगर आप नॉर्मल डेज में नहीं पढ़ते तो इन पवित्र दिनों में उन पुस्तकों को ज़रूर पढ़ें और अपनी माताजी के चरणों में ध्यान लगाएं, वो आपके हर एक विपदा को दूर करेंगी। तो आप बताइए कैसा लग रहा है सब कुछ। मेरे घर में बस छोटा सा एक यही स्पेस है, जिसमें कि मैं पूर्व की साइड को मुंह करके या मंदिर लगा सकती हूँ, या मतलब भगवान की चौकी लगा सकती हूँ। बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इससे ज़्यादा स्पेस यहाँ पे नहीं है कहीं भी, नहीं तो फिर दिशा अलग हो जाती है। तो मंदिर ऊपर है और मैंने इनको यहाँ पे रख दिया। डेली आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे जब भी मैं वीडियो बनाऊँगी। तो ये देखिए कितनी सुंदर हमारी माता जी लग रही है, फूलों की माला मैंने पहना दी है। और ये हैं बुद्धा जी, इनकी वीडियो मैं अलग से लेके आऊँगी। और ये हैं शिवलिंग, तो मैं इनकी वीडियो अलग से लेके आऊँगी, बाकी आप देख सकते हैं कि कैसे लग रहे हैं। और अब मैं जो ही मैंने हवन किया है, सामग्री सब इसमें डाल रखी है, तो अब यहाँ पे धुआं हो चुका है। अब मैं इसको पूरे घर में धीरे धीरे हर एक जगह थोड़ी थोड़ी देर रख दूँगी, तो पूरे घर में धुआँ हो जाएगा, जो कि घर का शुद्धिकरण भी करता है और घर में निगेटिव एनर्जी को दूर करके पॉजिटिव एनर्जी का वास करता है, जो कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत पवित्र दिन है और आपको पता है जैसे श्राद्ध खत्म हुए हैं तो उनके बाद अपने घर को साफ़ सुथरा करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे धुआं देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी होता है। और अपने घर में साफ़ सफाई शुरू कर देनी चाहिए, नवरात्रे आ गए हैं तो नवरात्रों में हमेशा अपने घर को साफ़ सुथरा करें। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पूरा घर साफ़ करें, पर आप थोड़ा थोड़ा करके कि एक दिन वो कमरा किया, एक दिन वो किया, ऐसे करके अपने घर की पूरी साफ़ सफाई करें, बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, मैं छोटा सा ब्लॉग बस आप लोगों के लिए लेके आई थी, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि टाइम पे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ आने वाली वीडियो में। बाय बाय।